हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज मैं आ चुका हूं अपने सेकंड डेस्टिनेशन में। कोलकाता की टॉप 10 बिरयानी सीरीज चल रही है, अगर आप लोगों को नहीं पता है, जो नए हैं उनको बता दूं कि अभी मेरे चैनल पे मैं जो है कोलकाता की 10 फेमस बिरयानी, मशहूर टॉप 10 बिरयानी कवर कर रहा हूँ। सो अभी तक मैंने, आज मेरा सेकंड डेस्टिनेशन है, पहला मैंने जो आलिया रेस्टोरेंट को कवर किया था, आज मैं आया हुआ इलाही रेस्टोरेंट लग्जरी डाइनिंग जो कि पार्क स्ट्रीट ब्रांच है ये वाला। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और आपको कह दूँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ अभी बिरयानी शेयर कर रहे हैं कि कोलकाता की जो टॉप 10 बिरयानी वो शेयर कर रहे हैं। तो अभी ऑलरेडी बज रहे हैं 10:15 और हम लोग आ चुके हैं आज इलाही। तो ये हमारा सेकेंड आज रेस्टोरेंट है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं और मैं साहिबा जरियान हैं हम लोग। तो चलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं ऑर्डर दे देता हूँ और ऑर्डर देने के बाद फिर जब आ जाती है बिरयानी, फिर उसके बाद हम लोग व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने ऑर्डर दे दिया और अभी यहाँ साहिबा बैठी हुई है। और साहिबा कैसी हो? अच्छी हूँ मैं। और भूख लग रही है? लग तो रही है। और आज का मौसम? मौसम तो बहुत माशाल्लाह इतना प्यारा है ना, मतलब मैं मौसम की वजह से ही आ जाई बाहर देखा जाए। चलो खा के कहीं चलते हैं थोड़ा। हाँ, विक्टोरिया साइड वहाँ पे जाके फोटो शूट करते हैं। बहुत मुझे ऐसे भी ऐसे मौसम बहुत प्यारा लगता है और ऐसा मौसम बहुत कम ही होंगे जिनको अच्छा नहीं लगता होगा इस तरह का। बात तो सही है। और यहाँ पे जरियान है बैठा हुआ और हमारा ऑर्डर आ भी चुका है फाइनली। चलो बहुत जल्दी आ गया अभी। यहाँ पे मैंने बिरयानी बोल दी थी, आ गया, अब खाऊंगा तो बताऊंगा। और यहाँ पे ये पापड़, ये लोग ने रोस्टेड पापड़ कॉम्प्लीमेंट्री है, वो मुझे नहीं सबको मिलता है ये। अच्छा, ये सबके लिए ना? हाँ, तो अगर कोई भी आएगा तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप सबको मिलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे मिल रहा है, सबको मिलता है ये। और यहाँ हमारी बिरयानी आ चुकी है फाइनली। यहाँ पर हमारी बिरयानी आ चुकी है और अभी जो प्रेजेंटेशन इनकी, तो मैं एम्बियंस की बात करूँ तो एम्बियंस तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्लियर और साफ़ सफाई। अभी तक बिहेवियर तो काफ़ी अच्छा है स्टाफ लोग का, जैसे कि यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा था, मैंने बोला थोड़ा कम कर देने, एक बार में कर दिया उन्होंने और काफ़ी अच्छे से बात कर रहे हैं, मतलब तो अच्छा है वो लोग का भी बिहेवियर अभी तक। तो बाकी का आगे का पता नहीं, जैसा रहेगा तो अपडेट देता रहूँगा। और ये पापड़ हमें मिला है कॉम्प्लीमेंट्री में, 3 पापड़ है रोस्टेड। और यहाँ पे मैंने एक बिरयानी बोली है मटन और एक बोली है एग बिरयानी, क्योंकि जरियान जो है मटन चिकन कुछ नहीं खाता है तो वो ये खा लेगा। और मटन जो है साहिबा भी बहुत कम खाती है उसका, मतलब उस दिन मैं आलिया में भी लिया तो पूरा मुझे ही दे दिया उसने, उसमें बस थोड़ा सा तोड़ा, तो मतलब उसी से ले लेना फिर फालतू का बर्बाद होता है। तो इसलिए मैंने एक मटन ले लिया, एक ले लिया, अगर कम बेशी अगर और लगेगा तो ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है क्योंकि इसमें क्वांटिटी काफ़ी है साहिबा, आलिया के बनिस्बत मुझे लगता है क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है इसमें अभी तक तो देखने में लग रहा है। सो चलो अब इसको जो है निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे यह है बिरयानी। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है, अब तो देखते हैं खा कर कि बिरयानी इनकी कैसी है। तो भाई मुझे सही से निकालना नहीं आता प्रोफेशनल वे में, तो मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ क्योंकि वो लोग बोले थे कि हम सर्व कर दो, मैं बोला नहीं आप मत करो, मैं अपने से कर लूँगा अपने हिसाब से। और अच्छे से मैंने बोला उनको तर बिरयानी देने। तो फ्रेंड्स अगर बिरयानी की बात करूँ, निकालने में मतलब मुँह पानी आ गया मेरे, है ना साहिबा, इसका कलर जो है बिरयानी का, मतलब ज़बरदस्त जो कलर होना चाहिए, एकदम एक्चुअल कलर जो कोलकाता दम बिरयानी का होता है ना, वो कलर है। पीस भी काफ़ी मस्त है यार, नली पीस मिला है उफो। और यहाँ पे आलू मिला है और क्वांटिटी आप दे सकते हो कि अगर आप दो लोग हो तो मेरे हिसाब से एक में आराम से हो जाएगा, अगर मैं साहिबा जितना हम लोग खाते हैं, है ना साहिबा, मेरा तुम्हारा इसमें आराम से हो जाएगा। सो क्वांटिटी काफ़ी है भाई, काफ़ी है, जितना कि देखने में लग रहा है काफ़ी क्वान्टिटी में लोग। भैया टिश्यू पेपर दीजिए ना। सो ये क्वांटिटी है फ्रेंड्स। तो चलो एक दो पहले फोटोज़ ले लेता हूँ थंबनेल के लिए, फिर आपसे मिलता हूँ तो आपस मिला करते हैं। और अभी तक मैं आपको बात कर लूँ, और मैंने आपको कल आलिया में बोला था कि जो हम 10 पॉइंट्स जो इसको डिस्कस करेंगे वो एंड ऑफ मतलब एकदम एंड में करेंगे जब 10 व्लॉग्स हो जाएंगे, लेकिन फिर कल मैंने सोचा कि वो इंटरेस्टिंग मज़ा नहीं आ रहा है, तो जो रहा करेगा हम संगे संग आपको बताते जाएंगे। तो कल का जो है वो आपको मैं नीचे में लिखा हुआ आ रहा होगा रॉयल को हमने कितने किस में पॉइंट्स दिए हैं, और अभी जो है लाई का तो अभी हम आपको वो भी डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में कितने पॉइंट्स दे रहे हैं हम। उस तरह से हम पूरा जितना 10 है सब करके फिर जब 10 व्लॉग्स हो जाएंंगे सब कंप्लीट, उसके बाद हम क्या करेंगे सबके स्टार्स जो है कलेक्ट मतलब काउंट करके जिसका सबसे ज़्यादा होगा फर्स्ट होगा सेकेंड थर्ड, इस तरह से हम उसे प्लेस करेंगे। सो पहले चलो खाना खाते हैं। और अभी तक तो जो है इनकी प्रेजेंटेशन भी काफ़ी अच्छी लगी, देने का स्टाइल क्वान्टिटी भी काफ़ी अच्छी है, प्लस क्या कहते हैं एम्बियंस अच्छा है, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है। अब बात आती है टेस्ट की, जिसके लिए हम आए हैं कोलकाता बिरयानी खाने। तो राइस आप देख सकते हैं, मैंने तो उनको पहले ही कहा था कि थोड़ा मसाले वाला देने के लिए, सो वो कस्टमाइज़ हो जाती है जैसा आपको चाहिए, तर चाहिए, सूखा ड्राई चाहिए, वो आपके ऊपर है। और यहाँ पे ये सैलेड भी इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, तो ये सब जल्दी कहीं मिलता नहीं है लेकिन यहाँ मिल रहा है तो अच्छी बात है भाई। चावल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, अच्छे चावल हैं। और मटन का साइज़ मैं आपको दिखा दूँ, मटन का साइज़ काफ़ी अच्छा है, जैसा कि होना चाहिए बिल्कुल बिरयानी का। और इतने अच्छे से कुक है कि आप देखो ये रहा, अब इसके लिए कहना नहीं होगा,
इसको हम लोग कहते हैं रसगुल्ला बोटी, बिल्कुल वो है लबालब लब लब है ना। सो ये है, बहुत अच्छा मटन कुक हुआ देख के, ये एकदम ऐसी मतलब इसको बोलते हैं बिरयानी में इस तरह का मटन होना चाहिए। जैसे आलिया का था तो मुझे काफ़ी टाइट लगा और बहुत च्वी करना पड़ा था तो मज़ा नहीं आया, लेकिन ये मटन देख के ही लग रहा है कि अच्छा होगा। और प्लस मैं कह दूँ इसका वेट भी, साइज़ जो है इसका लगभग 130 to 150 grams के लगभग है। सो ठीक है, और प्राइस भी इसका मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, खा लूँ फिर मैं आपको प्राइस भी दिखाता हूँ, जब बिल आएगा तो आपको प्राइस बताऊँगा। सो इनका पहले चलो बिस्मिल्लाह करते हैं राइस से, बिस्मिल्लाह। काफ़ी अच्छी बिरयानी है नो डाउट, एकदम तर चावल है जैसे मुझे चाहिए। और ये इनका आलू का साइज़ है, आधा आलू आपको दिया हुआ है और आलू भी काफ़ी अच्छे से देखो गला हुआ है। और आलू बहुत मेन होता है, मैंने बार बार कहूँगा ये, क्योंकि कोलकाता की बिरयानी में आलू हम लोग की जान है। तो अच्छे से कुक है आलू, इसका टेस्ट करते हैं ऐसे ही खा कर। परफेक्ट, एकदम जिसको हम लोग कहते हैं ना परफेक्ट, बिल्कुल वैसा है, अंदर तक मसाला गया हुआ है, अच्छे से एकदम बॉईल किया हुआ है, कोई कमी नहीं है। और अब आती है मटन की बारी, तो सब कैमरा सामने ये देखिए इसका कितने अच्छे से कुक हुआ है कि रेशा रेशा निकल जा रहा है, और बहुत अच्छा पीस नली पीस मिला, और क्या चाहिए भाई, मटन में नली पीस मिल गया तो बात बन गई। चेहरे से समझ में आ गया होगा लाजवाब मटन इनका, ये बहुत आगे तक जाने वाला है इतना मैं आपको कह दे रहा हूँ, बहुत टफ फाइट है। अभी जो रेस्टोरेंट्स बाकी हैं वो भी बहुत बड़े बड़े हैं सब, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि मैंने सबकी बिरयानी खाई तभी मैं यहाँ पर टॉप 10 सेलेक्ट किया था। लेकिन अभी जो मैं खा रहा हूँ ना यहाँ पर बैठ के, तो मैं यही कहूँगा आपको कि ये काफ़ी आगे जाने वाला है। सो बहुत अच्छी टक्कर होने वाली है, सो जितना आगे हम जाएंगे ना उतना मज़ा आएगा व्लॉग में, क्योंकि कल तो एक खाया था एक दूसरा हुआ, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अपने व्लॉग मतलब क्या कहते हैं मंजिल की तरफ पहुंचेंगे तो उतना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन बिरयानी नो डाउट इनकी ज़बरदस्त, साहिबा के मुँह में आज पानी आ गया, साहिबा मटन इतना ज़बरदस्त है ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ आपको, इतना अच्छे से कुक है। अगर आप मटन लवर हो तो मतलब दिल खुश हो जाएगा खा के, और मैं तो भाई मटन लवर की जुड़ बोलूँ, मुझे बहुत पसंद है, साहिबा को उतना पसंद है मतलब उसका ऐसा है, तुम बता रहे इधर लेगा, मुझे मालूम है गेरा साहिबा का वो इतना खा लेगी बहुत है, क्योंकि शादी के पहले वो मटन छूती भी नहीं थी, वो तो शादी के बाद अब मेरे साथ रह रहे कि खाने लगी थोड़ा बहुत। और मेरा भी ऐसा कि देखो मटन ऐसा नहीं कि खाना है तो फिर 4-5 पीस, मतलब एक पीस को मिल गया ना अच्छा तो मेरा हो गया, 1 से 2 पीस बस, उसके बाद ना वो हो जाता है, मतलब हर चीज़ कोई भी चीज़ में ना बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, 1 से 2 पीस हुआ बस ठीक है, तो उसमें क्या रहता है सेकेंड टाइम भी दिल होता है खाने का बस। अभी हम लोग लेते हैं चलो जंबो साइज जंबो बाइट, आलू मैंने ले लिया, मटन थोड़ा सा और लेते हैं यार, बिस्मिल्लाह वाला बरकत है। परफेक्ट है यार, ज़बरदस्त, मुझे लगता है बहुत अच्छी बिरयानी, मतलब मुझे नहीं पता कि इतनी अच्छी लगेगी यहाँ बैठ कर खाने में, मज़ा आ गया। ज़बरदस्त मज़ेदार जो अरोमा है ना बिरयानी का, जो टेस्ट है ना मुँह में जाकर ना मतलब ब्लास्ट होता है ना वो हो रहा है, जो कहता हूँ ब्लास्ट होता है वो वाला एकदम बिरयानी का टेस्ट है, मज़ा आ गया खाकर। तो चलो अब हम इसको कंप्लीट करते हैं, फिर साहिबा और जरियान भी खाएंगे। सो ऑलरेडी यहाँ पे बारिश भी हो रही है और अंदर ही बहुत चिल्ड एसी चल रहा है तो ठंडा हो जाएगा खाना, ऑलरेडी ठंडा हो रहा है, तो जल्दी से मैं भी खा लेता हूँ, वो भी खा ले, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और पॉइंट्स वॉइंट्स की बात करता हूँ कि मैंने कितने पॉइंट्स इनको दिए या कितने चार्ज दिए, तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी ही देर में। सो यहाँ पे फ्रेंड साहिबा भी अब खाने जा रही है खाना, यहाँ पे साहिबा ने निकाल लिया अपना, और जो एक एग बिरयानी तो उसमें एग ही है तो साहिबा खाएगी, जरियान एग भी नहीं खाता उसे आलू खाता है, तो उसका जो साहिबा अच्छे से मैच कर दे रही है यहाँ पे आलू वालू दे के। और यहाँ साहिबा है, यहाँ मेरा बेटा जरियान है, कैसे हो जरियान, तुम बताओ कि आज कैसी है बिरयानी खा कर, रिव्यू आज तुम दो कैसा आइडिया है। ठीक है, और यहाँ पर मेरी चल रही है बिरयानी ज़बरदस्त है, चलो साहिबा खाओ और बताओ कैसी है बिरयानी, तुम भी ज़रा बताओ, मुझे तो ज़बरदस्त लगी है नो डाउट।
बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, एकदम जैसे होनी चाहिए मटन बिरयानी, परफेक्ट कोलकाता दम स्टाइल वाली वो है ये। क्या लगता है आगे तक जाएगा ये? बहुत आगे जाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी फिनिश करते हैं इसको, तो फिनिश करते हैं फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे ना, तो आपको बने रहिए, मिलते हैं थोड़ी ही देर में। दरियान बताया गया देखने वाला खा के कैसी है? अच्छी है, वेट करते हैं, इन्जॉय करते हैं खाने को, है ना? तो खावा कर आपसे मिलता हूँ, तो आपको बने रहिए। सो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे डिनर तो हो चुका है और अभी बिल आएगा तो मैं बिल भी आपको दिखा देता हूँ। और अभी मैंने जो यहाँ के मैनेजर है, ऑनर तो है नहीं, तो मैनेजर को बुलाया हूँ, तो वो आ रहे हैं, तो उनका जो है गिफ्ट है जो टॉप 10 को मैं सबको दे रहा हूँ एक सर्टिफिकेट अपनी तरफ से, तो छोटा सा गिफ्ट दे रहा हूँ सबको, तो उनको बुलाया हूँ, तो बस उनको ये उनकी अमानत है, उनको सौंप करते हैं यहाँ से, बिल पे करके यहाँ से निकलेंगे और क्या। और प्राइस अभी बिल आएगा तो मैं दिखा दूँगा, लेकिन बिरयानी बहुत ही अच्छी थी और इतनी क्वांटिटी थी कि हम लोग खा कर भी जो है एक आदमी का खाना भर गया लास्ट में, तो हम लोग पैक करवा लिए इतनी, क्योंकि जरियान का दोपहर में आराम से हो जाएगा, है ना साहिबा? तो बिरयानी काफ़ी, जरियान क्या बोलता है? और मतलब जरियान अपने हाथ से खाने लगा, बड़ा हो गया, मज़ा आया? कैसी लगी बिरयानी? तो चलो फ्रेंड्स, अब आ गए तो उनको दे दूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ, तो आप लोग बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, हमने उनका जो है गिफ्ट दे दिया उन्हें, और अच्छा लगा, बिहेवियर उनका भी काफ़ी अच्छा था, तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा था। और ऐसा है कि डायरी तो मैं लिख लूँ, लेकिन मैं पेन लाया और यहाँ पे जब निकलने का भी टाइम हो गया तो मैं भूल गया कि स्टार्टिंग से लिखूँ, तो अभी घर जाकर जो है जब पूरा करूँगा तो जल्दी जल्दी आपको दिखा दूँगा कि कितने स्टार्स, क्या क्या रेटिंग है, नहीं तो बस अब यहाँ से निकलेंगे। सो सौंफ ऑफ खाते हैं, टूथपिक लेते हैं एक दांत में रख कर, और यहाँ से निकलेंगे, और हमारा बिल भी आ चुका है, सो बिल मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइस, थोड़ा सा टाइम आ जाओ। सो जो हमने मटन बिरयानी ली थी, कोलकाता मटन दम बिरयानी, वो थी 375 और प्लस कोलकाता एग दम बिरयानी 255, और एक पानी की बोतल ली थी 20 रुपीज़, 650, और उसमें जो है GST और सर्विस टैक्स मिलाकर 32 रुपीज़ एक्स्ट्रा कुछ हुआ, इस तरह से सब कर करा के 715। तो भाई साहब, मैं कहूँगा 375 जो मटन बिरयानी इन्होंने दी है, एज़ कम्पेयर टू प्राइस काफ़ी अच्छी क्वान्टिटी, काफ़ी अच्छी, मतलब इतनी क्वान्टिटी कि आराम से अगर दो आदमी तो आराम से खाएंगे, क्योंकि हमने दो ली उसमें भी आधी बिरयानी बच गई, सो समझ सकते हो कितनी अच्छी क्वांटिटी। और हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ खा कर आए हैं, तो हम लोग खाली पेट ही आए थे, क्योंकि अगर खा कर आएंगे तो फिर मैं सही से रिव्यू नहीं दे पाऊँगा, पेट भरा भरा आएगा, तो इसीलिए अच्छे से हम लोग ने खाया भर पेट, तब भी खाना बच गया। तो प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी, और बाकी जो क्या स्टार्स दे रहा हूँ, नहीं रेटिंग दे रहा हूँ, तो अभी घर जाऊँगा तो आपको सब दिखाई दूँगा। सो चलो यहाँ से अब बिल पे करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा खाना वाना तो हो गया, मैंने बिल भी दे दिया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि सर हमारे तरफ से कुछ कॉम्प्लीमेंट्री आपको देना चाहेंगे, तो बोला ठीक है। तो उन्होंने डेजर्ट में खुनाफा दिया है, और ये क्या है? खीर, उनका स्पेशल है डेजर्ट, तो बोले सर प्लीज़ ट्राई करिए और बताइए। तो मैं इसका, और आप लोग कहोगे जब बिरयानी सीरीज है ये, क्योंकि ये अगर मैं पैसा देकर खाता तो मैं नहीं दिखाता, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका भी मोहब्बत है, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो चलो अब इसको फिनिश करते हैं और बता देता हूँ इसका भी टेस्ट, चलो कैसा, जब आया है तो मैं बता ही देता हूँ। साहब बताइए खुनाफा। अच्छा, और यहाँ पे ये खीर है, खीर भी एक चम्मच बता दो भाई खाकर, आज डेजर्ट का आइटम तुम बता दो, बाकी तो बिरयानी मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें भी कोई ना कोई कमेंट करेगा, आप तो बोले थे बिरयानी के लिए, सिर्फ बिरयानी दिखाएंगे, लेकिन ये मोहब्बत थी उनकी, तो इसीलिए मैंने शेयर किया। जबरदस्त है, देख के लग रहा है दोनों का प्रेजेंटेशन। तो चलो फ्रेंड्स, अब समझ में आ गया होगा, तो और मतलब साहिबों को रिव्यू देने आ गया, क्योंकि मेरे साथ रह रहे कि इसको आदत हो गई है ना। तो चलो फ्रेंड्स, इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, और कंप्लीट करके फिर आपसे मिलता हूँ, तो आप लोग बने रहिए, मिलता हूँ थोड़ी देर में।